कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब अपनी लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं, हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं, इन लोगों से कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं मैम ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर एनआरआई था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज चला तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं, एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचे 2500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे, एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं, नहीं रिकॉर्ड करो आप बात करेंगे, वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे, यही तो गाजियाबाद जिनको जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ ला के इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर, मैन पावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर, सपोर्ट नहीं, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है, इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं, अब एक घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। हमें कहना चाहता है ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए भाग गए, किट 2500 का किट, अब आप सोचिए जिनको आपको डेढ़ घंटे जेल